तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम लूप पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। लूप के बाद हम आपके साथ बातचीत करेंगे एक प्रोजेक्ट पे। मेरे पास क्या है कि कई सारे शीट्स में डेटा है जो आप देख पा रहे हैं कि शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। क्या सर? तो अभी हम एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट में हमारा ये है कि मेरे पास कई सारे शीट्स है और शीट्स में डेटा है। डेटा एक ही तरह का है लेकिन इन डेटा को मुझे एक शीट में एक के नीचे कुलेट। कैसे करेंगे? चलिए हम उसके लिए डेवलपर टैब के अंदर विजुअल बेसिक पे जाके वीवी एडिटर को खोलते हैं और खोलने के बाद यहाँ देखते हैं कि हमारा किस फाइल में कई सारी फाइल खुले हैं। तो हमारा सबसे पहला फाइल है बुक थ्री। तो बुक थ्री के अंदर आए और इंसर्ट करते हैं एक मॉड्यूल। और ज़्यादा बेटर समझाने के लिए हम दो स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हम सब्जेक्ट कॉपी अंडरस्कोर डी ब्रैकेट ओपन कर। अब यहां पे लगाते हैं लूप कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू सीट्स डॉट काउंट। हमने इसको क्या कर दिया? ऑटोमेट क्योंकि इसके अंदर जो कोड डालेंगे उसको हर सीट के लिए रिपीट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसी फाइल के अंदर डेटा सीट को कॉपी पेस्ट करना है। किसी और फाइल में करना रहता तो ठीक था। ऐसा ना करेंगे तो क्या होगा कि ये डेटा सीट की भी डेटा को डेटा के अंदर ही पेस्ट कर दे। सो हम चाहते हैं कि डेटा को ना ले और डेटा हमारा सबसे लास्ट वाले सीट में है, ये हमें पता है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस वन कर देंगे, मतलब कि जितना सीट है उससे कम चलो, मतलब कि जो डेटा है उससे पहले पहले रुक जाओ। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल से जाएंगे शीट्स, शीट्स के अंदर आई डॉट सेलेक्ट, मतलब कि सीट नंबर वन सेलेक्ट करो। सीट नंबर वन पे जाके सेलेक्ट करेगा। फिर हमने कोड लिखा कि रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। तो करेंट रीजन क्या होता है? कंट्रोल ए का शॉर्टकट होता है। तो यहां पे कंट्रोल ए को प्रेस करेगा और कॉपी करेगा। अब कॉपी करने के बाद हमें डेटा सीट पे वापस आना है पेस्ट करने, क्योंकि हमें पेस्ट तो डेटा सीट पे ही करना है। तो सीट्स और यहां पे हम देते हैं डेटा डॉट सेलेक्ट। तो डेटा शीट पे मुझे जाना है तो चला जाएगा सबसे लास्ट वाले शीट, मतलब कि डेटा शीट। और मुझे एक के नीचे पेस्ट करना है। अब मैं यहां पर रेंज ए वन डॉट पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि सारे में रेंज ए वन डॉट को ही पेस्ट करता चला जाएगा। तो हम यहां करते हैं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल क्यों की है? पेस्ट स्पेशल ना करते तो मुझे यहां देना पड़ता डॉट सेलेक्ट, तो फिर अगला लाइन देना पड़ता एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, क्योंकि जो पेस्ट है वो रेंज का पार्ट नहीं है, वो सीट का पार्ट। इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके एक टाइम बचा लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं माइक्रोज में जाता हूँ। रन तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ लेकिन फिलहाल मैं सीट के अंदर माइक्रोज में जाके ये जो माइक्रोज है इसको लेता हूँ एंड रन। तो आपने देखा कि कुछ ही सेकेंड में सारे सीट का डेटा कॉपी पेस्ट कर, समझे? बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसमें हेडिंग को भी लिया तो मैंने मैनुअली हेडिंग रख दिया। मैं चाहता हूँ हेडिंग ना, तब क्या होता है कि अगर हम किसी डेटा को कॉपी करके
जब यहाँ डेटा पे पेस्ट करते हैं तो हेडिंग वाला जो सेल है ना वही हमारा एक्टिवेट होता है, राइट? तो हम एक्टिव शीट डॉट डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे करते हैं एक्टिव शीट डॉट, एक्टिव शीट नहीं माफ कीजिएगा, एक्टिव सेल, मैं गलत बोल गया, एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, तो पेस्ट करेगा और पहले सेल को डिलीट कर देगा। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। अब देखिए बिल्कुल सही चल रहा है, इसने कहीं पे डेटा को कुछ नुकसान नहीं किया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मेरा डेटा सीट सबसे लास्ट में ही रहेगा। अगर मैंने डेटा सीट को लिया और यहाँ बीच में रख दिया तो सही तरीके से वर्क नहीं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कोड में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि इग्नोर द डेटा सीट, आइडेंटिफाई द डेटा सीट एंड इग्नोर द डेटा सीट, नहीं किया है। और एक्सेल तो गधा प्रसाद है, जब तक जो बोलेंगे तब तक वो करेगा नहीं। सर सर हाँ मेरा जी हाँ जी, कनेक्शन लॉस्ट हो गया सर, थोड़ा सा जो पढ़ाया 2-4 मिनट में सर वो उसको रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग लिखा कि हम सीट आई पे गए, ठीक है, कंट्रोल ए करके डेटा को कॉपी किए, डेटा सीट पे आए और नीचे से ऊपर गए, ऑफसेट ऑफसेट में एक करके, एक के नीचे एक यहाँ कर्सर ले आके, पर हमने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद जो एक्टिव सेल था, जो हेडिंग था, उसको हमने कर दिया डिलीट, और ये परफेक्टली वर्क हो रहा है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दिया। समझ गए? सर एक्टिव सेल, यस जी बोलिए। एक्टिव सेल को मतलब उसके लिए कर्सर भी आपको ए में रखना पड़ेगा तभी एक्टिव होगा ना, देखिए अगर नहीं नहीं किसी और जगह पे सुनिए, होगा नहीं तो। नहीं नहीं जब आप कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर हमेशा ऊपर ही रहे, अच्छा सही समझ गए? है, सही, पेस्ट होगा तो बराबर। हाँ पेस्ट, तो पेस्ट होने के तुरंत बाद हम डिलीट कर रहे हैं ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि प्रॉब्लम ये हुआ कि जो हमारा डेटा सीट है वो लास्ट में ना होके बीच में गई, और मैंने अभी तक एक कोड में कैसा ऐसी कोई कोड नहीं लिखा है कि डेटा सीट को आइडेंटिफाई करो और इसको कॉपी से बाहर करो। और एक्सेल गधा प्रसाद है, जब तक मैं बोलूंगा तब तक करेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन, क्योंकि कोई भी चेक कंडीशन चेक करने के लिए तो हम इफ ही लगाते हैं ना, अगर जहां आया तो वहां इफ ही लगेगा। इफ शीट्स आई, तो जिस सीट पे तुम जाके सेलेक्ट करना चाहते हो, डेटा कॉपी करना चाहते हो, उसका जो नेम है नॉट इक्वल टू डेटा होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें केस सेंसिटिव होता है, तो डेटा जो है जिस जिस केस में यहाँ है उसी केस में यहाँ होना चाहिए, और हमने एंड इफ कर दिया। मतलब जो पूरा कोडिंग का प्रोसीजर जो था उस कोडिंग प्रोसीजर को हमने क्या किया, हमने इफ कंडीशन के अंदर रख दिया। अब यहां पे -1 की जरूरत नहीं। अब मैं आसानी से इसको पेस्ट करूंगा, रन करूंगा, तो डेटा सीट को इग्नोर करेगा और पूरी डेटा कंपाइल कर, क्लियर है? क्लियर कोई डाउट इसमें? क्लियर सर, क्लियर अब इसमें आप लोग नोट कीजिए एक होमवर्क, अब मुझे यहाँ इस डेटा सीट में शीट नेम, क्योंकि मैं बाद में अगर डेटा सेपरेट करने की बात हुई तो मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन सीट से डेटा आया, सर। समझ गए? तो यस मुझे आपको आप लोगों से क्या चाहिए कि हर सीट के जो नेम है ना यहाँ पे आ इधर जाए, आ जाए। तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है, राइट? सही, ओके सर, एक करके मुझे आप लोग हाँ दीजिएगा, राइट? जी, अब इसमें एक और भी ओके ऑप्शन सर। देता हूँ। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्रोजेक्ट जो कि आप हमारे साथ डिस्कस कर चुके हैं, क्या
कल भी गोपाल जी ने बोला था उसकी प्रोजेक्ट पर बात करें। तो लूप से रिलेटेड मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट है कि मेरे पास डेटा है और इस डेटा को सेग्रीगेट करना, क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट जो किया वो क्या किया, डेटा कंबाइन का। अब बात करते हैं डेटा सेग्रीगेट। तो याद होगा जब मैंने रिकॉर्डिंग क्लास कराई थी तो उसमें हमने डेटा सेग्रीगेट करने का ऑप्शन दिया था, राइट। तो चलिए उसी डेटा सेग्रीगेशन, लेकिन डेटा सेग्रीगेशन मैं सीट बाय सीट कर रहा हूँ, फाइल बाय फाइल नहीं कर रहा, ठीक है सर। हाँ जी, फाइल बाय फाइल आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोड इतना एलिजिबल है। तो मैं वही रिकॉर्डिंग माइक्रो का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले प्रोजेक्ट में हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल किया था, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पे गए, हमने फिल्टर लगाया। अब मुझे क्या करना है, नेम के हिसाब से अलग करना है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू, हमने यहाँ पे पूजा कर दिया एंड ओके किया। फिर हम A1 पे कर्सर रखे, कंट्रोल से राइट एरो डाउन एरो और कंट्रोल जी एस पे गए, स्पेशल पे गए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया विजुअल सेल्स ओनली एंड डेटा को कॉपी किया और एक नई सीट, मेरे पास सीट है फिर भी नई सीट ऐड करूँगा मैं, नई सीट, और यहाँ पे मैंने कर दिया पूजा और इस पे हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। एस्केप मारा और फिर वापस डेटा सीट पे आ गए। अब यहां पे माइक्रो कर देता हूं स्टॉप। अब इसकी कोडिंग को करते हैं एडिट, जो माइक्रो वन है। अब इसमें क्या क्या एडिट होगा, सबसे पहले रेंज वन डॉट सेलेक्ट सही है, लेकिन ऑटो फिल्टर गलत होना चाहिए, और रेंज वन सेलेक्ट के बाद मुझे डेटा सेलेक्ट करना होगा सीट डॉट डेटा, क्योंकि डेटा सीट पे गए बगैर A1 और क्या सेलेक्ट करना, क्या सर। हाँ जी, फिर मैंने एक्टिव सीट यहाँ पे जो रेंज A1 करके सिर्फ है इसे A1 लिख लेता हूँ, ताकि फिल्टर A1 पे लगेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद रेंज A1 डॉट सेलेक्ट और ए दो दो बार A1 डॉट सेलेक्ट कर, C1 डॉट सेलेक्ट है यहाँ पे, सही है, सही किया, C1 डॉट सेलेक्ट की भी जरूरत नहीं। A1 डॉट सेलेक्ट, अब C1 डॉट सेलेक्ट हटा दिया तो यहाँ भी A1 की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी A1 हम सेलेक्ट कर चुके हैं। हमने सिलेक्शन करके लेफ्ट राइट एंड करके डेटा को सिलेक्ट किया, विजुअल सेल्स किया, कॉपी किया, सीट ऐड किए, और सीट ऐड करने के बाद हमने रिडेम किया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जो है यहाँ देखिए एक्टिव सीट डॉट पेस्ट है, तो सीट ऐड होगा तो सीट 4 ही नाम थोड़ी होगा, तो यहाँ पे हमने सीट 4 के जगह पे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू पूजा कर दिया, राइट राइट सर। फिर रेंज A1 डॉट सेलेक्ट एक्टिव सीट डॉट पेस्ट कट कुमेर फॉल्स डेटा पे आए और C50 डॉट सेलेक्ट को यहाँ से हटा दे, डेटा डॉट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी डेटा डॉट सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है सर। तो ये कोड मेरा परफेक्टली रन होगा, लेकिन ये एवरी टाइम पूजा ही देगा। एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं पूजा के, क्योंकि एक नाम के दो सीट नहीं बन सकते ना सर, एक बार इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं माइक्रो वन। तो इसने पूजा का सीट बना, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात आती है कि पूजा तो बन गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसमें कि सारी नेम को रखना है अलग। तो मैं यहाँ पे एक और माइक्रो रन करता हूँ और इस माइक्रो को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं M कॉलन में जाके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद डेटा मेनू बार में हमारे पास होता है रिमूव डुप्लीकेट, और इसको मैंने रिमूव कर दिए डुप्लीकेट, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रो स्टॉप, क्योंकि मुझे लिस्ट ऑफ नेम चाहिए ना, इसके हिसाब से अलग अलग करने हैं मुझे। तो ये हमारा दूसरे सीट माइक्रो में हमारा ये आ गया। अभी जो M/M1 ये आ रहा है ना, इसको हटा दीजिए, हम पूरे कॉलन को ले लेते हैं, ठीक है सर। बाकी जो है सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा,
अब सिलेक्शन यहाँ डॉट कॉपी है, AC1 डॉट सिलेक्ट है, तो डायरेक्ट हम इसको कॉपी का ही नहीं करते क्या, इसको हटा देते हैं। समझे? तो एक मैक्रो बन गया मेरा जो कि लिस्ट ऑफ आएगा। अब इस वाले मैक्रो को मुझे क्या करना है, लूप के साथ सेग्रीगेट करना है। तो मैं यहां पे लूप लगाऊंगा, लूप होगा कि फोर आई इक्वल टू चले टू टू रेंज एम, क्योंकि एम कॉलम्स के अकॉर्डिंग चलना है ना, मैं एम 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो, ठीक है। और यहां हम कर देते हैं नेक्स्ट, समझ गए। अब यहां जहां पे पूजा लिखा हुआ है ना, पूजा इक्वल पूजा, अब इसको यहां पे हम करते हैं इस तरह से, और यहां एंड लगाते हैं, एंड एंड के अंदर देते हैं सेल नहीं, रेंज कर देते हैं, रेंज रेंज के साथ, हाँ रेंज से रेंज, और नहीं, रेंज एक काम करते हैं हम यहाँ पे रेंज नहीं देते हैं, हम यहाँ एक काम और करते हैं कि सीट सेलेक्ट हुआ यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि नीचे भी मुझे चाहिए होगा सीट नेम, तो बार बार रेंज लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे किया डिम एन एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ सीट सिलेक्ट करने के बाद A1 सिलेक्ट करने से पहले हमने बोला एन इक्वल टू रेंज एम के साथ कंबाइन कर दो आई डॉट वैल, और जहां जहां पूजा था वहां वहां क्या कंबाइन कर देंगे, हम कर देंगे एन, और यहां भी पूजा सीट चाहिए तो यहां भी कर देंगे हम एन, ठीक है। अब मैं यहां पे इसको रन करता हूं, देखिए क्या, ऐसे डेवलपर माइक्रोस एंड माइक्रो 1 2 हो गया सर। सर तो इसमें हमें दो माइक्रो रन करने पड़ेंगे, पहले माइक्रो रन करना पड़ेगा किसका, कि लिस्ट निकाल। आप बोलेंगे सर लिस्ट निकाल दो दो बार रन करना पड़ेगा, इतना काम कर पाएंगे, कोई बात नहीं सर, हम एक काम करेंगे कि जो माइक्रो 2 है ना इसको ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। उसके अंदर वो लेगा गया वो माइक्रो टू हाँ, को, तो पहले वो माइक्रो 2 को रन टू करेगा, को रन करेगा। अच्छा। देन इसको बाकी प्रोसीजर को रन करेगा। अगर इससे भी आपको कंफ्यूजन होती है तो एक यहाँ एक नया माइक्रो आप बना लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे स्ट्रैक, EXT के नाम से हमने बना दिया, स्ट्रैक में EXTR के नाम से, और इसमें हमने माइक्रो 1 को लिया, नहीं पहले माइक्रो 2 ना, सॉरी पहले माइक्रो 2 लिया फिर माइक्रो 1 ले लेंगे, क्या। तो आपको इंडिविजुअल माइक्रो रन करना है तो इंडिविजुअल रन कीजिए, इसको रन करना है तो इसको रन। अब ये तरीका भी अच्छा है सर, क्या होता है कि कभी कभी हमें रिपोर्ट बनानी होती है, मान लीजिए कि आपको रिपोर्ट बनानी है, मान लीजिए 10 महीने की रिपोर्ट बनानी, तो आपने एक माइक्रो बना दिया जो कि 10 महीने का रिपोर्ट एक बार बना के दे देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि नहीं, मुझे हर महीने का रिपोर्ट, कभी कभी इंडिविजुअल महीने का भी रिपोर्ट चाहिए, होता है कभी जून का, कभी जैन का, कभी फरवरी का, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 10 महीने का 10 अलग अलग माइक्रो बना लें, और फिर एक माइक्रो जहाँ पे 10 माइक्रो कॉल कर लें, इससे दो फायदा होगा कि एक माइक्रो आपका बहुत बड़ा नहीं होगा जिससे आपका प्रोसीजर टू लार्ज का एरर नहीं शो करेगा, दूसरा दूसरा होगा कि आप किसी भी इंडिविजुअल माइक्रो को चेंज कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल माइक्रो को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल किया, अब रिकॉर्डिंग माइक्रो इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि इससे ही मिलता जुलता जो प्रोजेक्ट जो है हमने आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो के साथ समझाया था, आई थिंक आपको याद, और
हालांकि सारे कोड हम मैनुअली भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, राइट सर। अब एक कोडिंग भी आपको मैं सेंड कर देता हूं, आप लोग इस पे देख। तो आज हमने दो प्रोजेक्ट आपके साथ किए, और जो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो, जब भी मैं लाइव आऊंगा तब तक आपका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, साथ में ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ सर, ओके बाय, थैंक यू, बाय। और YouTube पे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले थैंक्स कहूँगा, और साथ में आप लोग मेरे साथ लाइव क्लासेस, जैसे अभी दो लोग ज्वाइन थे, एक दुबई से था एक दिल्ली से था, आप भी मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर मेरा नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, इस नंबर को लीजिए, मुझे कॉल कीजिए, तीन चार हमारी डेमो क्लास दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो फिर आप इनरोल कर लीजिए। थैंक यू।